अस्सलाम वालेकुम गाइस, जब भी हम हमारी बाइक में इंडिकेटर का जो मीटर का बल्ब है ना उसको उतार कर किसी भी किस्म के जो एलईडी वो हम लगाते हैं, तो इसमें यहाँ पर मसला क्या आता है कि जैसे ही हम इसको एक साइड पर ऑन करते हैं ना, जैसे कि मैंने इस साइड के इंडिकेटर ऑन किया तो ये यहाँ पर चल रही है, लेकिन इस साइड पर करने पर यहाँ पर ये नहीं चलेगी। सेम इसी तरीके से मैं क्या करूँगा कि अगर मैं इसको यहाँ से बल्ब को, ये जो एलईडी मैंने लगाई हुई है इसको मैं उतारता हूँ, और ये मैं ऐसे उतार कर, ये देखें ऐसे उतार कर मैं इसको ये ऐसे लगा देता हूँ मोड़ के, तो अब क्या होगा, अब इस साइड का ऑन करने पर ही चल रही है, ठीक है, और उस साइड का ऑन करने पर नहीं चल रही, इंडिकेटर वहाँ का चल रहा है, ठीक है, आपको ये नज़र आ रहा है। तो इसको आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। बहुत सारे लोग ना इस तरह के एलईडीज़ को इंस्टॉल करते हैं, खासतौर पर मीटर पर, इंडिकेटर्स में, या और भी काफ़ी जगह पर, जिससे कि आजकल बहुत सारे कॉमन हैं जो कि अपने बल्ब से काफ़ी काम कर लेते हैं, जिससे आपकी बैटरी काफ़ी सेफ़ रहती है। तो ये लगाने भी चाहिए, यहाँ पर भी आप जैसे जस्ट आपने पिछले तारा लगा देना है चल जाएगा, यहाँ पर भी लग जाएगा, लेकिन यहाँ जो मीटर वाला होता है ना, और ख़ास तौर पर सिर्फ वही बाइक जिसमें दोनों इंडिकेटर ऑन करने पर एक ही लाइट चलती है, तो उसमें ये डायोड लगाना पड़ता है। बाकी 125 जो होते हैं ना, जिसका इधर वाला ऑन करने पर इधर अलग से बना होता है, इधर वाला ऑन करने पर इधर अलग से बना होता है, तो उनमें नहीं, उनमें आपने ऐसे लगा देना होती है, जिसमें एक होती है ना उसके साथ आपने फिर दो डायोड लगाकर ये चीज़ बनानी होती है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर इधर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी इसको करने के लिए। दो आपको चाहिए होगी डायोड्स, और तीन आपको चाहिए होगी छोटी छोटी वायर्स बस। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये कन्फ्यूजन जो है दूर कर देता हूँ कि नंबर भी मैं आपको बता देता हूँ इसके। किसी भी इलेक्ट्रिकल रिपेयरिंग शॉप से जाकर आप जस्ट देखें कि हमें 12 वोल्ट की बैटरी पर चलने वाला कोई डीसी डायोड दे दें, कोई भी नंबर का हो जाए। अगर नंबर पूछे तो इसका नंबर है 5399, ठीक है। दो डायोड्स ले लें, आपको सस्ते मिल जाएंगे, तो वरना से कहे कि कोई भी दे दो भाई डीसी पे चलने वाला, वो कहेगा नहीं किस पे चलना, कोई भी डीसी भी जो भी चलता है आप कोई भी दे दो हमें, तो सब काम करते हैं, कोई इतना वो नहीं होता। ये ले लेना है। अब जब आप नया ले गए तो इसके ऊपर यहाँ पर निशान बने होते हैं, ठीक है, एक साइड पर ग्रे कलर का निशान होता है, दूसरी साइड पर नहीं होगा, लेकिन मेरे हो चुके हैं पुराने, इसमें है नहीं। अब आप जब ले गए ना, मे भी उसके ऊपर भी निशान ना हो, क्योंकि निशान में जल्दी मिट जाते हैं, उनके पास पुराने पड़े हों। तो अब देखना कैसे है कि इन डायोड का काम क्या होता है, कि एक तरफ से प्लांट लेके जाना और वापस ना आने देना, ठीक है। अब ये जो डायोड है इसको देख के क्या लग रहा है, निशान तो है नहीं, अब हमें पता नहीं है कि यहाँ से करंट ऐसे आ रहा है वापस नहीं जा रहा है, या फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है यहाँ से वापस नहीं जा रहा। तो हमें पहले ये चेक करना है, या बाइक से चेक कर सकते हैं, जैसे कि मेरी बाइक में यहाँ पर स्विच ऑन करता हूँ तो हमारी बैटरी जितनी भी चीज़ चलती है ना, वो रेड कलर की बैटरी चलती है। तो इसको जैसे अगर मैं इशारे को, जैसे मैंने ये ऑन कर दिया ना इशारा, कोई भी चीज़ हो ना बाइक के अंदर, वो अगर बैटरी चलती हो, अगर हम ये उतारें ना रेड कलर की वायर, तो वो चीज़ जो है वो चला बांधी होती है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि यहाँ से जो करंट है ना पीछे से, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से बैटरी करंट आ रहा है और आगे मेन सारी वायरिंग में जा रहा है। तो हमें देखना है करंट हमारा ये डायोड यहाँ से ऐसे कैसे गुजारता है, कैसे गुजारता है, हमें ये देखना है। अब यहाँ पर मैं ऐसे लगाता हूँ और ये देखता हूँ, तो ये यहाँ पर लिखा चल रहा है, ये देखे सेम। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो ये यहाँ पर नहीं चलेगा। मीन्स क्या है कि यहां से करंट ऐसे आ रहा है। अब हमने याद रखना है कि इसको यहां से करंट ऐसे जा रहा है, यहां से वापस नहीं आ रहा, इसको हम इसी डायरेक्शन पर केवी बाइक में रख देते हैं, यानी कि यहां से करंट जा रहा है, यहां से वापस नहीं आ रहा। सेम इसी तरह से दो डायोड लेना है ना आपने, इसका भी चेक करना है, यहां से करंट ऐसे जा रहा है वापस नहीं आ रहा, इसका भी हम ऐसे करते हैं। पहले हम यहां पर ऐसे लगाते हैं, ये देखिए रेड कलर के बार के साथ, तो ये नहीं चल रहा, तो ऐसे चल जाएगा ये देखना, ये देखे इसका भी यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है। अब ये दोनों हमने ऐसे रख लिए, ठीक है, यहाँ से दोनों ही करंट जा रहे हैं, यहाँ से वापस नहीं आ रहे। तो फ्रेंड्स, अब आप ज़रा गौर से समझिए कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से करंट जा रहा है, यहाँ से नहीं आ रहा। अब जिस साइड से जा रहा है ना, जिस साइड से करंट जा रहा है, वो वाली जो चीज़ें हैं ना वो आपने आपस में नहीं जोड़नी, उसकी दूसरी साइड वाली, यानी कि ऐसे करंट जा रहा है ना और ऐसे नहीं आ रहा, तो जहाँ से नहीं ना आ रहा वो वाली आपस में जोड़ देनी है बस। और इन तीनों को, अभी तीन बन गए ना, एक ये और एक ये, इन तीनों को अगर आपने एक वायर जोड़कर टेपिंग कर देनी है, यानी कि यहाँ से करंट जाएगा आगे, यहाँ से बैक नहीं आ पाएगा बस। हम चेक भी कर लेते हैं इसको मज़ीद वेरीफाई करने के लिए। ये देखें हमारा करंट यहाँ से ऐसे आना चाहिए, तो यहाँ से ऐसे जाना चाहिए, तो चलेगा ये देखें। अब मैं इसको अगर यहाँ पर ऐसे करता हूँ ना, ये ऐसे मैंने किया, तो यहाँ पर भी मेरे चलना चाहिए इंडिकेटर, ये देखें, और ऐसे भी चलना चाहिए, ठीक है, दोनों पे। लेकिन सेम अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ तो नहीं चलना चाहिए, ना इस पे चलना चाहिए ना इस पे, बस क्लियर हो गया। फिर आप इसको टेपिंग करते हैं वायर को जोड़कर। तो फ्रेंड ये देखिए, इसको मैंने टेपिंग कर लिया, ये हमने बीच जोड़े थे दो कट्टे, ये वो है,
और ये दो हमने लगा दिए अलग अलग, ठीक है, दो जोड़े थे उसकी एक, ये दो डायोड बीच में हमने कवर काट दिया टेप के अंदर ही। तो इसको अब हम बाद में करते हैं, यानी कि इसमें यही है कि यहाँ से करंट आ रहा है, यहाँ से नहीं जा रहा वापस, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा वायरिंग भी करने हैं हमने, खोलने इतना मुश्किल नहीं है, जैसे करा वैसे करते जाना है। तो ये आपकी ये बाइक क्लिप होगा मीटर का, इसमें दो वायर होनी है, एक होनी है ये ऑरेंज कलर की, एक होनी है स्काई ब्लू कलर की। ये हमने निकालनी है, काटनी नहीं है, हम ऐसे निकाल लेते हैं। इस सुई ले गए, ये दो है ना, ये इधर वाली दो है, तो ये इसके सामने ये वाला आता है, ये सुराख है ना हल्का सा, जिनके भी यहाँ पर ये सुराख है, ये अंदर चली जाएगी ऐसे ऐसे, आप पुश कर देंगे और ये एक निकल आई, ये दूसरी, अब इन दोनों में से कोई भी एक वायर ना, ये दो वायर है ना, ये ना सेम वही कलर है, मैं दिखाता हूँ ज़रा, ये देखें ये दो, ये सेम कलर है, ठीक है, ये देखें ये दोनों निकल गए। अब इनमें से कोई भी एक आपने अटैच कर देनी है, इन दोनों में से कोई भी एक बाइक में ग्रीन कलर के क्लिप के अंदर, जैसे कि ये क्लिप ग्रीन कलर का है, बस आप इसका अटैच कर देनी है, कोई पिछली आप निकाल लेंगे इसका अटैच करके, इन दोनों में से कोई भी, मैं स्काई ब्लू कलर ही कर देता हूँ, चले मैं ये यहाँ पर अटैच होगी, जो दूसरी है ना इसको आप अटैच कर देना है, जो ये डायोड है ना इसकी, जो एक थी ना जो मैं अटैच की थी, दो ये थी ना अलग, करंट ऐसे आ रहा था और ऐसे वापस नहीं जाएगा, जो ये एक वाली थी ना जो मैं जोड़ी जोड़ी थी, इसको आप अटैच कर देना है डायोड के साथ, टेपिंग कर देनी है। अब पीछे पास हमारी ये दो वायर्स बचती हैं, वो हमारी आखिरी होंगी, इसमें करता हूँ टेपिंग ज़रा। तो ये होगी टेपिंग, अब ये दो जो अलग अलग हैं इनको आपने क्या करना है कि आपकी बाइक में दो क्लिप होने हैं, एक होना है ऑरेंज कलर का, ये देखिए, एक होना है ये स्काई ब्लू कलर का, ठीक है, पीछे से जो आ रही है ये स्काई ब्लू कलर की, और ये पीछे से आ रही है ऐसे इस क्लिप से जो लगी हुई है ये ऑरेंज कलर की, ये ऑरेंज कलर की होती है इस साइड वाले इंडिकेटर की, और ये जो स्काई ब्लू है ये होती है इस साइड वाले इंडिकेटर की। अब ये जो दो है ना ये आपने कोई भी इसमें लगा दें, इसमें लगा दें या ऐसे लगा दें आप, जैसे कि मैं ये यहाँ पर लगा देता हूँ, बस ये हमारा आखिरी काम है, ऑरेंज कलर क्लिप और ये स्काई ब्लू क्लिप के अंदर दूसरी, बस काम खत्म। अब आप कहेंगे कि ये स्काई ब्लू कलर के अंदर ये ऑरेंज क्या कर रही है, तो मेरा मैंने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर राइट साइड पर लगाया हुआ है, उसकी वजह से बस पीछे से जो आ रहा है ना वो आपने नोट करना है, ये देखें ये वाली इसके बीच में ऐसे, बस सारा काम खत्म हमारा, अब हम ट्राई करते हैं। अच्छा ये आपने बाद में लाजमी लगानी है, जो मैं बता रही थी ना टेस्ट करने के लिए, ये लाजमी लगानी है, वरना कुछ कुछ भी नहीं चलेगा बाइक का। ये 1 मिनट, ये इस साइड पर और इस साइड पर, देखो दोनों चल रही हैं, कोई से भी कलर का होगा ना, ये रखे बाकी कलर्स भी हो गए सारे सेम ऐसे चलेंगे, तो देख रहे हैं आप कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये। तो यही लोग पूछते हैं, बस मैं यही था आज की वीडियो, मेरा नाम है तैयब अजीज़, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।